कोरोना वायरस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, अफवाहों से बचें, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह पर करें। यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर पहुंचे ईडी दफ्तर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। दिल्ली, यूपी, तेलंगाना के बाद अब पंजाब में कोरोना वायरस ने दी दस्तक, जांच में पॉजिटिव पाए गए दो युवक। और 42 साल के वसीम जाफर ने क्रिकेट को कहा अलविदा, सचिन कुंबले जैसे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने को बताया सम्मान की बात। नमस्कार, नवजीवन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन नौटियाल। जन औषधि दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया और कोरोना से बचने की सलाह दी। चीन में महामारी बन चुके कोरोना वायरस का कहर दुनिया के कई और देशों में भी देखने को मिल रहा है। भारत में भी कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर नागरिकों से खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग चार नई चीज़ें लेकर आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। हमें इन अफवाहों से भी बचना है। जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से करें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यस बैंक के फाउंडर से मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के आवास पर छापेमारी के बाद आज मुंबई स्थित ईडी ऑफिस में उनसे अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के मुंबई स्थित आवास पर छापा मारा था। गौरतलब है कि कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी उनके समुद्र महल आवास में हुई। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत की गई थी। गौरतलब है कि निजी क्षेत्र के यस बैंक की हालत खराब होने के चलते आरबीआई ने पैसों की निकासी पर 50,000 रुपये का कैप लगा दिया है। यानी बैंक का कोई भी खाताधारक एक महीने में सिर्फ 50,000 रुपये ही निकाल सकता है। कोरोना वायरस ने अब पंजाब के अमृतसर में भी दस्तक दे दी है। जांच में दो युवक पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब के अमृतसर में कोरोना वायरस के दो मरीज पाए गए हैं। इस तरह से दिल्ली, तेलंगाना के बाद भारत के एक और राज्य में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में हुए इस टेस्ट में दो युवक पॉजिटिव पाए गए। अमृतसर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट रमन शर्मा के मुताबिक ये दोनों लोग 3 तारीख को दिल्ली से फ्लाइट के जरिए अमृतसर आए थे। इन्हें एयरपोर्ट से सीधे अमृतसर के एक अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों युवक इटली से भारत पहुंचे थे। कोरोना वायरस से पीड़ित ये दोनों युवक होशियारपुर के रहने वाले हैं। अस्पताल ने कहा है कि दिल्ली की लैब में इनके ब्लड सैंपल जांचे गए, जहां से इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब इनके सैंपल पुणे भेजे गए हैं। 42 साल के वसीम जाफर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। भारत के घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले वसीम जाफर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। 42 साल के वसीम जाफर ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच अप्रैल 2008 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कानपुर में खेला था। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने अपने क्रिकेट करियर को विराम देते हुए कहा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात है।